तो यहाँ पे जैसे आप अभी आए तो ये जगह थी कौन सी जहाँ पे आज हम गए? नीलकंठ, नीलकंठ महादेव। तो यहाँ के बारे में बताया जाता है, कहाँ पे? श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि एक बार जो है दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि कौन थे? शिव जी के अंश रूप कहलाते हैं। तो दुर्वासा मुनि कैसे थे? करसिंह ऋषि। हर किसी को श्राप देने के लिए बड़े फेमस थे, कि जरा भी क्रोध होता था और किसी को भी श्राप देते थे। तो एक बारी बात है कि दुर्वासा मुनि ने भगवान की माला पहनी थी। कौन भगवान? विष्णु भगवान। उनकी माला गले में पहन के जा रहे थे, तो साथ में से इंद्र का अब जा रहे थे अपने ऐरावत हाथी पे बैठ के। तो जैसे ही उन्होंने देखा दुर्वासा मुनि ने कि इंद्र जा रहे हैं, तो इंद्र को अपने गले से माला उतारी और इंद्र को दे दी कि अब ये तुम्हारे लिए है माला, ये लो भगवान की माला, इसे तुम पहन लो। तो इंद्र ने कहा कि इस माला का मैं क्या करूंगा। इंद्र ने उसको लेके अपने हाथी के उसमें डाल दी, सूंड में। अब हाथी होता है, हाथी को माला की वैल्यू क्या पता, तो हाथी ने उसको जमीन पे गिरा दिया और जमीन पे गिराने के बाद उसको पैरों से कुचल दिया। इसका रीजन, अब इसका ये हमने क्यों बताया कि ऐसा उसने क्यों किया, सोचो भगवान के हमें कितने फूल मिलते हैं। आज भी जैसे आप गए शिव जी को, सब ऐसे ऐसे चढ़ा रहे हैं, कुछ गिर गए, कुछ इधर हो गए, पैर लग रहे हैं। तो सोचो इंद्र का, जो कि स्वर्ग का राजा है, हमारे से दो लोक ऊपर है। इंद्र स्वर्ग लोक के लिए लोग कामना करते हैं, वहां पे भी जन्म मृत्यु रहता है, तो स्वर्ग लोक जाने के लिए लोग कामना कर रहे हैं। तो इंद्र का लोक को, इंद्र को गरीब होना पड़ गया, इंद्र का जितना ऐश्वर्य था खत्म हो गया, क्योंकि उसने भगवान की माला का अपमान किया। उसने हाथी को डाल दी, हाथी ने कुचला, इंद्र ने खुद नहीं कुचला, पर क्योंकि उसने हाथी को डाल दी, इंद्र की उससे गद्दी छिन गई और किसको मिल गई? असुरों के राजा बलि महाराज को। तो यहां से स्टार्ट होती है कथा कि क्योंकि सोचो एक छोटी सी माला का उसने अपमान किया, बहुत बड़ी चीज नहीं थी माला, कितनी होती है? छोटी सी होती है, अगर भगवान की थी, भगवान की हर चीज कैसी होती है? बहुत कीमती होती है। कोई भी भगवान की चीज को अगर आप फेंक दो, चाहे वो पत्ता हो, चाहे भगवान का तुलसी पत्र हो, चाहे माला हो, जल हो, कुछ भी, जो उसको कूड़े में फेंक देता है, भगवान का वस्त्र हो, लड्डू गोपाल के पैर टूटे कूड़े में डाल दिया, ऐसे अगर जो भी कर रहा है ऐसा पंडित, आप कहीं पे भी जाओ आपको एक ही बात बोलेगा, अगर आप जाओगे ना उनको बोलेगा, जैसे बोले कि लड्डू गोपाल है आपके पैर टूट गए, इनको कूड़े में डाल दो, मतलब नदी में प्रवाहित कर दो, उनके लिए वो कूड़ा है, मतलब वो इसको पत्थर मानते थे। तो जो सो कॉल्ड पंडित होते हैं, आप जहां देखते हो हरिद्वार ऋषिकेश में, पंडित नहीं है, पाखंडी लोग हैं। अभी नीचे जैसे आए थे, ये मेरे को कहते अरे तुमने इस बड़े आए इस्कॉन वाले कमरा मांग रहे हो हमसे, तो हमने कहा कमरा नहीं मांगेंगे तो क्या खड़े रहेंगे यहाँ पे 3 घंटे तक? तो इस तरह के हैं, तो ऐसे ही होते हैं, मायावादी लोग होते हैं, झगड़ा करते हैं, सॉल्यूशन पे नहीं आते हैं, वर्क नहीं करते हैं। ऐसे ही इंद्र जो थे, इंद्र को अपने अहंकार था, अपनी पोजीशन का, माला का अपमान किया, इंद्र को क्या हो गया, उसका आसन छीन लिया गया और किसको दे दिया? असुरों के राजा बलि महाराज को। यहां से कथा स्टार्ट होती है। तो बताते हैं जब ऐसा हुआ तो असुरों ने, अभी कथा जब स्टार्ट ही हुई है, तो असुरों ने हमला करा किस पे? देवताओं पे, क्योंकि स्ट्रांग हो गए, इंद्र का आसन मिल गया, स्वर्ग के राजा कौन है? बलि महाराज। अटैक कर दिया कि जितने भी देवी देवता है इनको मार डालो। तो जब असुरों ने मारा, शक्तिशाली हो गए तो भगा दिया। अब असुर कैसे होते थे? असुर का मतलब ये नहीं है कि कोई गंदा दिखता है तो असुर है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कैसा भी दिखता हो, सुंदर हो, सलमान खान पर्सनैलिटी का हो, शाहरुख खान पर्सनैलिटी का हो, कोई भी हो, असुर मतलब उसके जो गुण है, उसका जो सुर है, वो भगवान से नहीं मिलता। वो कैसा है? वो ईश्वर को नहीं मानता। वो सिंपल सी बात है, असुर है, चाहे वो कितना भी बड़ा गाड़ी में घूमता हो, फरारी चलाता हो, जितनी मर्जी अच्छी स्पोर्ट्स कार चलाता हो। तो यहां से बताया जाता है इस तरह से जब उन्होंने किया, तो अब देवता किसके पास जाएंगे मदद मांगने? आप सब जैसे हम लोग किसके पास जाते? देवता के पास। मगर देवी देवता भी रक्षा नहीं कर सकते, किसके पास गए? भगवान के पास। तो सबसे पहले भगवान के पास जाने से पहले इनकी भगवान पे भी डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, इतनी शक्ति देवताओं में भी नहीं होती कि वो विष्णु को प्रश्न कर सके। तो पहले गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को बोला हमें लेके चलो साथ में। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। इस तरह से क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए और वहां पे जाके बताया जाता है, भागवत में आता है 8वां स्कंध 6वें अध्याय में। तो यहां पे बताते हैं देवताओं और ब्रह्मा जी ने इस तरह से भगवान की स्तुतियां करी, ग्लोरीफाई किया। किसी को अगर क्या प्रसन्न करना है, किसी को खुश करना है, उसकी तारीफ करनी होती है, तो भगवान, ये हमारे में गुण कहां से आया? भगवान, भगवान को अपना गुण गाने में अच्छा लगता है कि मेरा कोई गुण गा रहा है, मेरे बारे में कोई सुना रहा है, तो भगवान को बहुत आनंद आता है कि मेरी तारीफ कर रहा है, मेरी स्तुतियां कर रहा है। ऐसी देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति करी। तो भगवान विष्णु जब आए, उनके सामने प्रकट हुए, इतना तेजवान था, बताया जाता है, वैसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है, सोचो एक सूर्य हो,
एक सन की लाइट आती है, हमारी आंख डायरेक्ट उसको देख नहीं सकती, और तो और हम उसको ज्यादातर झेल भी नहीं सकते। अभी कल गर्मी होगी, सब पसीने से ऐसे ऐसे करेंगे, दिन में भी करेंगे, आज भी करेंगे, हर समय करते हैं। तो सोचो हजारों हजारों अगर सूरज आ जाए और एक साथ चमके, इतना बताया गया है भगवान का, इतना तेज निकल रहा था, इतना तेज निकल रहा था, देवी देवता खुद के शरीर को भी नहीं देख पा रहे कि उनके हाथ पैर कैसे दिखते हैं, वो खुद को नहीं देख पा रहे तो भगवान को कैसे देखेंगे। इस तरह से भगवान उनके सामने प्रकट तो थे मगर वो देख नहीं पाए। तो यहां पे बताया जाता है इस प्रकार से बताते हैं यहां पे उनका जो भगवान के बारे में अपीयर बताया है। भगवान क्या पहनते हैं? पीताम्बरधारी, पीले रंग के वस्त्र पहन के आए। कैसे होते हैं भगवान? हाथ में शंख चक्र गदा पुष्प, आपने देखा होगा विष्णु के चार हाथ होते हैं। इस तरह से भगवान आए और प्रकट होने के बाद उन्होंने देवताओं से मांगा कि तुम्हें क्या चाहिए। पूछेंगे भगवान कि क्यों तुमने मुझे इतनी स्तुतियां कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, बताओ। तो देवताओं ने कहा कि इंद्र ने, यहाँ इंद्र का जो आसन है वो छीन लिया है। किसने? बलि ने। तो भगवान तो सब जानते थे क्यों छीना है, क्योंकि भगवान की दी हुई माला का डिसरिस्पेक्ट किया है इंद्र ने, इस वजह से उसका आसन छीन गया। तो यहां पे बताते हैं अब ब्रह्मा जी ने इनको प्रश्न करना शुरू किया, ब्रह्मा जी ने इनको ग्लोरीफाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो सबसे कौन है? सीनियर है इस संसार में, सबसे पहला जी ब्रह्मा है। कईयों को लगता है कोई और है, शिव जी है, नहीं, शिव जी भी बाद में है, सबसे पहले ब्रह्मा से स्टार्ट हुआ। विष्णु के नाभि से कमल आता है, ऐसे करके खिलता है, उसमें सबसे ऊपर जो व्यक्ति होता है, सबसे पहला व्यक्ति ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी से क्रिएशन स्टार्ट होता है। तो जो ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने भगवान विष्णु को बताते हैं स्तुतियां करना स्टार्ट किया। आगे यहां पे बताते हैं कि भगवान जो थे जानते थे, देवताओं के स्वामी भगवान ये जानते थे कि देवताओं के कार्य जितने भी हैं उनको करने में भगवान खुद से समर्थ है। भगवान चाहे तो उनको क्या करने की जरूरत है, ऐसे चुटकी बजाएं असुर खत्म हो जाएंगे? जरूरी है कि उनको मारने जाएंगे, गदा लेके जाएंगे, उनको चक्र छोड़ेंगे? ऐसे बस हल्का सा भगवान सांस लेते हैं, बताते हैं अनेकों अनेकों ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं जब महाविष्णु सांस लेते हैं। एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, सोचो कितनी शक्ति होगी उनके अंदर, इतने सारे लोगों को केवल वो सांस से प्रकट कर देते, तो उनके लिए मारने का क्या दिक्कत थी? मगर वो स्पेशली ये लीला करने चाहते थे जिसका नाम है समुद्र मंथन लीला, वो इसका आनंद लेना चाहते थे। तो भगवान ने कहा कि जो भी मैं कुछ कहूंगा, ब्रह्मा शिव जितने भी तुम देवी देवता हो सारे, इसको ध्यान से सुनो, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि नहीं, 33 करोड़ देवी देवता, स्वर्ग के गंधर्व किन्नर लोक आदित्य वासु जितने भी हैं, शिव जी के अनुचर ब्रह्मा जी के फॉलोवर जितने भी थे, सबके सब आके भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं अब जो मैं कहूंगा उसे ध्यान से सुनो। इस प्रकार से भगवान विष्णु उनको एक बात बोलते हैं कि तुम उन्नत नहीं हो पा रहे हो, तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं है कि अभी तुम किसको हरा पाओ, असुरों को हरा नहीं सकते, अभी इतने बलशाली नहीं हो, तो तुम क्या कर लो, उनके साथ फ्रेंडशिप कर लो, संधि कर लो। संधि करने से क्या होगा? फ्रेंडशिप करने से काम इजीली बन जाते हैं। तो कई बार बोलते हैं ना दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ता है, तो वैसे ही भगवान ने उन्हें कहा दुश्मन को दोस्त बनाना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं 8वां स्कंध 6वां अध्याय 20 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं कि हे देवताओं, अपना हित इतना महत्वपूर्ण होता है कि मनुष्य को अपने शत्रुओं से भी संधि करनी पड़ती है, कभी कभी संधि करनी पड़ती है। भगवान ने बोला है हर बार लड़ाई से काम नहीं चलता, फ्रेंडशिप भी करनी पड़ती है। हर बार थोड़ा ना कि वो मेरे से दुश्मन है मार डालूंगा, संधि करनी पड़ती है। आगे भगवान बताते हैं अपने लाभ के लिए मनुष्य को सर्प तथा चूहे का तर्क का अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे सांप और एक चूहा होता है, इसको कैसे समझे? भगवान ने सांप और चूहे का एग्जाम्पल क्यों दिया? जैसे पॉट होता है, आपने देखा है जैसे पॉट है सपेरे का, जब वो सपेरा ऐसे ऐसे करके बीन बजाता है तो वो एक पॉट होता है, उसमें से सपेरा बाहर आता है। अगर मान लो वो पॉट बंद हो, उसमें ऐसे करके बंद कर रखा हो, तो सांप बाहर आ सकता है क्या? बीन बजाने से भी नहीं आएगा। और उसके अंदर एक चूहा भी हो तो क्या करेगा सांप? क्या करना चाहिए, पहले खा जाए या क्या करे, संधि कर ले चूहे से? क्योंकि अगर खा जाएगा तो क्या होगा, क्या सांप बाहर निकल पाएगा? नहीं। तो सांप कहता है चूहे को कि ये जो पिंजरा है ना, ये जो जिसमें मैं फंसा हुआ हूं, इसको तुम काटो, तुम्हारे दांत है ना, अगर तुम काटोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, तुम भी बाहर हो जाओगे, मैं भी बाहर हो जाऊंगा। इस समय शक्तिशाली कौन है? शक्तिशाली चूहा है।
मगर सांप के चूहे को मार नहीं सकता, मार सकता है, मगर चूहा दांत काटेगा तो दोनों बाहर आ जाएंगे। इस तरह से सांप जो होता है चलाकी करता है, जैसे ही चूहा दांत से कुतरता है और उस टोकरी से बाहर आता है, जैसे ही वो होल बन जाता है तो सांप चूहे को एकदम से पकड़ लेता है और उस होल से भी बाहर आ जाता है। ऐसे ही भगवान ने कहा कि अभी संधि कर लो, सही समय आने पे ये समुद्र मंथन करना, तुम्हारे को अमृत प्राप्त होगा और तुम सब दीर्घायु जियोगे। अब अमृत का मतलब अमर नहीं है, कोई भी व्यक्ति संसार में अमर नहीं हो सकता, कोई भी नहीं है, भगवान के अलावा कोई अमर नहीं है, सबको मृत्यु आती है, इससे कोई बच नहीं सकता, ब्रह्मा भी नहीं बच सकते। मगर मृत्यु आने पे एक व्यक्ति जाता है वैकुंठ या भगवान के धाम को जाता है, गोलोक धाम, ऊंचे लोक को जाता है, एक व्यक्ति होता है जो नीचे गिर जाता है या फिर अलग अलग जानवर की योनि में गिर जाता है। इस तरह से भगवान ने कहा कि संधि करो उनसे, फ्रेंडशिप करो। आगे यहां पे बताते हैं भगवान कि समुद्र मंथन लीला तुमको करनी होगी, सबसे पहले क्या करो, इसमें समुद्र मंथन लीला में एक लीला होगी जिसे मरणासन व्यक्ति, यानी कि मरा हुआ व्यक्ति को भी अगर उस अमृत को पिला दिया जाए तो वो जीवित हो जाएगा। इस जो अमृत कलश मिलेगा इसकी इतनी वैल्यू है। और यहां पे बताते हैं कि क्षीर सागर पे, क्षीर सागर यानी दूध का सागर, अब कोई बोले अगर उसमें नींबू डाल के फाड़ दिया तो इतना बड़ा दूध का सागर है, भगवान विष्णु दूध के सागर में लेटते हैं, कोई नींबू डाल के फाड़ दे तो कितनी पनीर बन जाएगी, मगर भगवान का विष्णु क्षीर सागर है, क्षीर सागर में भगवान लेटे रहते हैं आराम से। और ये यहाँ पे नहीं है, आपने देखा होगा क्षीर सागर जिसे आप पोल स्टार कहते हो ना, एक ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारा वहीं पे ही है, शिरोदक्षाई विष्णु जहाँ क्षीर सागर है उसी के पास एक लोक है जहां पे ध्रुव जी का लोक है, पोल स्टार, साइंस भी पोल स्टार को बिलीव करता है, आप देखो ज्योग्राफी देखो है ना, डिस्कवरी चैनल देखो, वो पोल स्टार पे बिलीव करता है, बचपन में भी बताते थे सर। तो ये सब ध्रुव तारा के बारे में है। और यहाँ पे बताया जाता है कि क्षीर सागर में जितनी भी वनस्पतियां, तृण, लताएं, औषधियां, सबकी सब उसमें डाल दो, सारी की सारी उसमें डाल दो। और भगवान यहाँ पे कहते हैं सुंदर मंदर पर्वत को, जिसे मंदरांचल पर्वत भी कहते हैं, इसको मथनी की तरह यूज करो, मथनी होती है, और वासुकी नाग की क्या बनाओ, रस्सी बनाओ, एक तरफ से देवता पकड़ेंगे एक तरफ से असुर पकड़ेंगे, और फिर उसको दोनों तरफ से क्या करो, मंथन करो, और मंथन करने से क्या होगा, अमृत प्रकट होगा। इस प्रकार ने भगवान ने बताया, अकेले तुम अगर मंथन करोगे, इधर कोई खड़ा ही नहीं होगा तो कैसे तुम उसको प्रकट करोगे, क्या प्रकट हो पाएगा, अपने आप तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा व्यक्ति भी होता है और एक ऑफिस में बटरिंग करने वाला व्यक्ति भी होता है, जिसको कहते हैं चमचागिरी करने वाला, सबको क्या पसंद आता है, चमचागिरी करने वाला, अरे बटरिंग करता है पता है, सब जानते भी है बटरिंग करता है, मगर उसके साथ भी हमें फ्रेंडशिप बनानी पड़ती है, गलत व्यक्ति के साथ भी बनानी पड़ती है, क्यों, क्योंकि हमारी जॉब सिक्योर्ड रहती है। ऐसे ही भगवान ने कहा कि तुम्हारे को अमृत प्राप्त होगा अगर तुम इनसे संधि करोगे, नहीं करोगे तो अमृत ही नहीं मिलेगा, क्या होगा, तुम ऐसे ही रहोगे, ये शक्तिशाली हो चुके हैं, तुम हारते रहोगे, मार डालेंगे तुम्हारे को। इसके बाद यहां पे बताते हैं, भगवान कहते हैं धैर्य तथा शांति से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है, यदि तुम क्रोध से विशुद्ध रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती, यदि तुम क्रोध करोगे, एंगर में रहोगे तो तुम्हारे को अपना लक्ष्य नहीं मिलेगा। तो भगवान ने इस प्रकार से उनको कहा। और वो कहते हैं कि असुर चाहे जो भी मांगे उसको स्वीकार कर लो, जो भी मांगे, तो भगवान की बात को देवताओं ने टाला नहीं, देवता हमारे से ऊंची स्थिति के भक्त होते हैं, वो भगवान की बातों को जल्दी नहीं टालते, फॉलो करते हैं, हम लोग टाल देते हैं भगवान की, भगवान बोलते हैं ना इस एग्जाम्पल के लिए सुबह उठना चाहिए, हम टाल देते हैं, भगवान कहते हैं मेरा भक्त जो होता है ना उसका कभी विनाश नहीं होता, हम टाल देते हैं, हम बोल देते हो जाता है, भगवान कहते हैं भोग लगा के प्रसाद खाओ, हम टाल देते नहीं खाते, भगवान बहुत सारी स्टेटमेंट्स देते हैं मगर हम टाल देते हैं, मगर देवता ऐसे नहीं करते, देवता भगवान की बात पे बहुत अटल रहते हैं। तो देवता कौन है, भगवान के शुद्ध भक्त। इस प्रकार से उनको बताते हैं। यहां पे बताने के बाद भगवान उनसे कहते हैं आगे कि यदि तुम लालच करोगे, इस समुद्र मंथन की जो होगा, अगर तुम लालच करके लड़ाई कर दोगे पहले ही तो मंथन नहीं होगा, रुक जाएगा, और ये तुम्हारे को क्या करेंगे, मार डालेंगे। तो अभी लालच नहीं करना किसी भी चीज का, ये मत बताना कि तुम्हारा पर्पस क्या है, जो बस मैंने कहा है, भगवान ने कहा, उतना फॉलो करो। आगे जाके यहां पे बताते हैं, जब ये सब हुआ तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव जी अपने अपने लोकों को चले गए। शिव
शिव जी कहाँ चले गए? कैलाश को, ब्रह्मा जी ऊपर ब्रह्मलोक को, और इस संसार के परे भगवान विष्णु अपने वैकुंठ धाम को, वहां को चले गए, यानी क्षीर सागर को चले गए। इस तरह से यहाँ पे बताया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बाद जितने भी देवी देवता होते हैं वो कहाँ जाते हैं? बलि महाराज के पास। राजा जो बलि था बहुत शक्तिशाली था। बलि किसका पुत्र है? विरोचन। विरोचन किसके हैं? प्रहलाद। और प्रहलाद किसके? हिरण्यकश्यप। तो किसकी उसकी परंपरा में आ रहे हैं? असुरों की। असुरों और राक्षस की परंपरा कैसी होती है? मेरा बेटा मेरे से भी शक्तिशाली राक्षस बने। अगर मैं डॉक्टर हूं, मेरा बेटा डॉक्टर बने। अगर मैं चोर हूं, मेरा बेटा चोर बने। अगर मैं डॉन हूं, और बड़ा डॉन बने। आतंकवादी हूं, और बड़ा आतंकवादी बने। वैसे ही वो चाहते थे। प्रहलाद ने इस परंपरा को वहीं तोड़ डाला कि मैं तो भाई अपने पिता की नहीं मानता, है ना। और देखो भगवान ने उनके पिता को मारा, मगर भगवान फिर भी क्या मांग रहे हैं कि मेरे पिता ने बहुत बुरे कार्य किए, इन्हें माफ कर देना। माफी मांग रहे हैं कि मैं अपने पिता के बिहाफ पे माफी मांगता हूँ, इतनी ऊंची भक्ति। उसके बाद उनके पुत्र हुए विरोचन, वो भी भक्त थे। उसके बाद बलि भक्त थे। तो जरूरी नहीं है कि कोई गलत घर में पैदा हो जाए वो भक्त नहीं हो सकता। असुर कुल के थे मगर बलि असुर नहीं थे। असुर कुल में पैदा हुए मगर असुर नहीं थे, क्योंकि गुण नहीं थे ना। भगवान वामन ने तो साक्षात दर्शन दिए बलि महाराज को। तो यहां पे आगे यहां पे बताते हैं, उनके पास जाके देवता कहते हैं बलि महाराज को, बलि महाराज जानते थे कि मेरे पास क्यों आए हैं, संधि करने के लिए आए हैं। और यहां पे बताया जाता है कि पहले के समय में फ्रेंडशिप कर ली जाती थी। जैसे पांडव और कौरव लड़ते थे, रात के समय में कोई किसी को नहीं मारता था। वैसे तो भगवान बोल रहे हो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र उड़ा डालो, आज लड़ाई करके मार डालो, मगर रात को कैसे होते थे? एक ही साथ बैठ जाते थे, फिर से बातचीत करते थे, आज हमारे इतने लोग मर गए, हमारे इतने लोग मर गए, साथ बैठ के भोजन पाते थे और फिर सो जाते थे। इस तरह से उस समय पे भी जो फाइट्स होती थी उसमें बहुत ही तरीके से लड़ा जाता था। रात के समय कोई नहीं लड़ता था, और आजकल रात में ही लड़ते हैं। रात के समय में देखो ऊपर लोग देखते हैं चाइना का प्लेन आ रहा है, पाकिस्तान का आ रहा है, यूक्रेन का आ रहा है, रशिया का आ रहा है, तो कितने झगड़े हैं। पहले के समय में रात में नहीं लड़ते थे, दिन में लड़ाई, रात में फ्रेंडशिप। अब उल्टा हो चुका है सब कुछ कलयुग में। तो इस तरह से बलि के पास गए, तो बलि ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। बलि ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। आगे यहां पे बताया जाता है, बलि जो है तीनों लोकों के राजा थे, ऊपर के लोग, नीचे के लोग और धरती लोग। इसके राजा कौन थे? बलि। और कुल उनका कौन सा था? असुर। तो अगर आप किसी गलत कुल में होंगे तो आपको क्या बोलेंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे हो? अरे ये भी गंदा होगा, ये भी खराब होगा। अगर आप मान लो गलत उसमें आ रहे हो, परंपरा में आ रहे हो, तो आपको भी लोग खराब बोलेंगे। ऐसे ही बलि को भी लोग असुर बोलते थे, मगर बलि असुर नहीं था, कुल किसे असुर था। तो ये सब करने के बाद यहां पे बताते हैं, देवताओं ने और असुरों ने अपनी बलशाली भुजाओं से सुंदर बलपूर्वक मंदर पर्वत को उठा लिया। बहुत भारी था मंदर पर्वत, उसको उठाड़ा और उखाड़ के उसे क्षीर सागर की ओर ले चले। क्षीर सागर अर्थ में नहीं है, क्षीर सागर अर्थ के बाहर है। क्षीर सागर ब्रह्मा जी का लोक, जो सबसे ऊंचा लोक है, वहां भी नहीं है, उसके भी परे है इसी ब्रह्मांड में, मगर इसके परे है। वहां को ले गए, सारी वहां पे औषधियां वनस्पतियां सब कुछ डाली जो भगवान ने बोला, वहां पे मंदर पर्वत को लेके आ रहे थे। तो जैसी लेके आ रहे थे, बताते हैं इतना भारी था कि उसके सारे असुर और जो देवता थे उनकी टीम के जितने भी ग्रुप के थे सबके सब थक गए। इजी लैंग्वेज में इसलिए बता रहा हूं, इसमें टफ लगेगा ताकि समझ आ जाए। और बताते हैं असमर्थ होने के कारण सबने उसको पर्वत को छोड़ दिया, पर्वत को छोड़ दिया। और जो मंदर पर्वत इतना भारी था वो कैसा था? सोने का बना हुआ था, सोने का पर्वत था मंदर पर्वत, और बहुत शाइन करता था सोना। आज के समय में सोना अगर इतना सा भी हो कितना शाइन करता है, तो सोचो पूरा इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा बहुत ही ऊंचा पहाड़ जो आसमान तक छू रहा हो, उसको उन्होंने मंदर पर्वत को उठा के ला रहे थे, पर भारी होने के कारण उन्होंने उनको छोड़ दिया। और कई जो असुर और देवता थे तो वो कुचले गए। और कुचले होने के जैसे ही ये हुआ, उसी समय कौन आते हैं? भगवान विष्णु अपने गरुड़ पे बैठ के आते हैं। तो गरुड़ के बैठ के आने पे भगवान विष्णु को ने मंदर पर्वत को इजीली ऐसे करके उठाया। क्षीर सागर में डूब गया पर्वत है, पानी में चला गया, अब उसको उठाया सागर से ऐसे करके, भगवान इजीली ऐसे करके उठा के ला रहे। और जितने भी असुर और वो कौन थे? देवता।
सबको भगवान ने जीवित कर दिया। जीवित करने के बाद यहाँ पे बताते हैं उस पर्वत को लेके भगवान दोबारा से कहाँ गए, क्षीर सागर की ओर ले गए पर्वत को, और वहां पे गरुड़ पे बैठ के गए। आगे यहाँ पे बताते हैं गरुड़ ने मंदर पर्वत को अपने कंधे से उतारा और जल के निकट ले गया। उस स्थान से भगवान ने कहा गरुड़ को कि तुम चले जाओ। क्यों कहा? क्योंकि गरुड़ जो था क्या था, पक्षी, और वासुकी क्या था, सांप। तो पक्षी सांप को खा जाता है। तो आज के समय में जैसे वो था कौन, कालिया नाग, कालिया नाग आज भी रहता है। भगवान कृष्ण ने जिस कालिया नाग पे डांस किया, आज के समय में वृंदावन में एक जगह है, जब परिक्रमा से निकलो वृंदावन परिक्रमा में तो एक जगह आती है कालिया हिर्द, केशी घाट से पहले, तो वहां पे कालिया हिर्द में अभी तो वहां पानी है नहीं, यमुना का फ्लो बहुत पीछे को हो गया है, मगर वहां पे भगवान कृष्ण ने कालिया हिर्द पे नृत्य किया था कालिया नाग पे। तो कालिया को उद्धार किया भगवान कृष्ण ने, मारा नहीं, क्या कहा, यहां से बहुत दूर चले जाओ। तो दूर जाने को कहा ताकि गरुड़ की भी पहुंच में ना हो, नहीं तो गरुड़ तुम्हें मार डालेगा। आज भी कालिया नाग कहां रहता है, फिजी आइलैंड, फिजी आइलैंड में आज भी वहां पे रहता है, और इस तरह से उसको जाने को कहा। ऐसे ही वासुकी नाग जो है वो कभी आएगा नहीं गरुड़ के सामने। तो भगवान ने गरुड़ को कहा कि जाओ तुम वैकुंठ को चले जाओ, तभी यहाँ पे वासुकी आ पाएगा। तो भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का आदेश था और चला गया कौन, गरुड़। गरुड़ यहाँ से कहाँ को चले गए, वापस वैकुंठ को। और ये जो थे वासुकी को लाया गया, वासुकी को क्या बनाया गया, रस्सी, रस्सी बनाया गया। और मथनी कौन थी, मंदर पर्वत, मंदर पर्वत। अब जब ये हो रहा था तो यहां पे बताते हैं भगवान विष्णु का यानी कृष्ण का एक अवतार हुआ जिसे कहते हैं अजित अवतार। आपने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, पर एक अवतार है भगवान का जिसे कहते हैं अजित अवतार। इस अजित अवतार के बारे में बताते हैं ये कैसा था, इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। इनके जो बाल थे घुंघराले थे, कैसे रंग के वस्त्र पहनते थे, पीत। भगवान कृष्ण पीला रंग पहनते हैं, क्यों, राधा रानी का रंग कैसा है, गोल्डन, मोल्टन गोल्डन, इसलिए पीतांबरधारी। और राधा रानी कैसे कहती है, श्याम रंग के, ब्लू कलर के पहनती है, क्योंकि कृष्ण कैसे रहते हैं, श्याम रंग के हैं। ऐसे ही भगवान विष्णु कैसे रहते हैं, पीले रंग के पहनते हैं, पीतांबरधारी। ऐसे ही भगवान का एक अवतार हुआ अजित अवतार, इस अजित अवतार के बाल घुंघराले थे और भगवान बहुत बलशाली भुजाओं वाले थे और यहाँ पे पीत वस्त्र पहनते थे भगवान, अजित अवतार। बताते हैं ये किसके बेटे थे, वैराज और देव संभूति के। और ये जो क्षीर सागर वाली आप लीला सुन रहे हैं ये आज की है ही नहीं, अभी की नहीं है, ये इस करंट वाले जो अभी चल रहा है, मनु की पीढ़ी चल रही है, इस करंट मनु की पीढ़ी की है ही नहीं। इससे पहले जो मनु था, ब्रह्मा जी के 12 घंटे में, कितना बड़ा होता है ब्रह्मा जी का 12 घंटा, 43,20,000 वर्ष, 43,20,000 साल इंटू 1,000, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का केवल 12 घंटे है। इतनी बड़ी 12 घंटे की रात भी है, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का 1 हफ्ता है, 1 महीना, 1 साल, ऐसे 100 साल, मतलब हमारे ट्रिलियंस ऑफ इयर्स निकल जाते हैं ब्रह्मा जी के 100 साल में, इतना बड़ा है ब्रह्मा का। बताते हैं 12 घंटे में 14 मनु आते हैं, 14 मनु में से छठे मनु, अभी सातवां मनु की पीढ़ी चल रही है, जब छठे मनु आए तब की है क्षीर सागर की कथा। तो करीब करीब अगर देखा जाए, मोटा मोटा हिसाब अगर देखा जाए, उस समय चाक्षुष मनु था छठे मनवंतर में, आज के समय में वैवस्वत मनु है, तो करीब करीब ये 1,000 करोड़ साल से भी पुरानी कथा है। 1,000 करोड़ भी कम मैं बोल रहा हूं, उससे भी कहीं ज्यादा, अरबों खरबों साल पुरानी है। अगर आप एस्टिमेशन, इसका कैलकुलेशन पेन कॉपी लेके बैठोगे, ये अरबों साल पुरानी कथा है, ये आज की नहीं है क्षीर सागर की। और अभी भी देखो लोग जा रहे हैं, नीलकंठ में नहीं जा रहे, लोग जा रहे हैं आज, एट प्रेजेंट भी जा रहे हैं, इतने सालों के बाद, अरबों सालों के बाद भी ये जगह लीलाएं प्रेजेंट है। तो काल्पनिक क्या होता है, कई लोग कहते हैं काल्पनिक है ये सब, काल्पनिक है ये सब, कहीं नहीं लिखा होता। अरे अरबों सालों के बाद कौन पूछता है इन सब चीजों को, अगर आपने कुछ पढ़ा हो। आजकल तो कुछ भी चीज आउटडेटेड हो जाती है, फोन लो आउटडेटेड, कपड़ा लो आउटडेटेड, सब कुछ आउटडेटेड हो जाता है, फैशन से, कहीं किसी भी चीज से, स्टडी आउटडेट हो जाती है, मगर भगवान और भगवान का ज्ञान कभी आउटडेट नहीं होता, ये बात 100% ट्रू है, इतनी पुरानी ये कथा है। तो बताते हैं जैसे ही मंथन चालू हुआ, मंथन चालू होते ही ये जो मंदर पर्वत है, मंदर पर्वत फिर से डूबने लगा, अपनी सतह पे फिर से डूबने लगा, क्योंकि भारी था, डूब रहा है, एक दोनों तरफ से वासुकी नाग को खींचा जा रहा है। वासुकी का जो पीछे का हिस्सा होता है, असुर कहते हैं हम नहीं लेंगे, हम बहुत पवित्र हैं, हमारे गुरु का नाम है शुक्राचार्य, उनके भी गुरु होते थे,
तो उन्होंने कहा हमारे को बताया गया है कि इसका यानी सांप का आगे का हिस्सा लो, ये कैसा होता है, बड़ा शुभ माना जाता है। तो उन्होंने आगे को हिस्सा पकड़ा और पूंछ को पकड़ा दिया देवताओं को। इस तरफ से आगे के हिस्से में जो आपने देखा आज एक फोटो ऊपर बनी हुई थी वहां पे मंदिर में, सबसे आगे जो असुरों में खड़े थे वो बलि थे और देवताओं की साइड में सबसे पहले खड़े थे वो अजित अवतार थे भगवान के। सबसे ज्यादा अवतार हुए हैं भगवान के इसी समुद्र मंथन लीला में, सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा कोई और लीला में नहीं हुए। तो बताते हैं जैसी मंथन स्टार्ट हुआ, ये नीचे जाने लग रहा है मंदर पर्वत फिर से, तो बताते हैं जब ये ऐसा हो रहा था तो क्षीर सागर में ये मंदर पर्वत डूब गया। अब दोबारा से मंदर पर्वत को ऊपर उठाना है, भगवान एक बार तो उठा के ले ही आए थे, अब दोबारा उठाना पड़ेगा भगवान को। तो यहां पे बताते हैं भगवान का एक अवतार हुआ जिसे कहते हैं शितिरिहि विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धरण किन चक्र गरिष्ठे केशव धृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशव धृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो भगवान कृष्ण ने कूर्मा अवतार का रूप लिया, केशव धृता क्या कूर्मा रूपा, तो कछुए का रूप लेके आए, केशव धृता नर हरि रूपा। उसी केशव यानी कृष्ण ने किसका रूप लिया, नरसिंह भगवान का, केशव धृता राम रूपा, उन्हीं कृष्ण ने किसका लिया, राम का रूप, केशव धृता मत्स्य रूपा, मत्स्य अवतार, केशव धृता बुद्ध रूपा, बुद्ध अवतार लेके आए। बुद्ध भी दो है, जो लोग पूछते हैं वो तो गौतम बुद्ध है, भगवान बुद्ध को तो कोई जानता ही नहीं, जो हीनयान महायान है भगवान बुद्ध की फिलॉसफी नहीं है। भगवान बुद्ध अलग थे, वो कृष्ण अवतार थे, वो ऑरेंज पहनते थे, जो लोगों के घरों में होता है वो लाफिंग बुद्धा होता है या गौतम बुद्धा होता है, वो भगवान बुद्ध नहीं होते। सभी तो पड़े रहते हैं, कभी पानी आ रहा है उनके सर से, कभी ऐसे बह रहे हैं ऐसे करके, कभी बिचारे के हाथ नहीं होते, तो वो कौन है, वो भगवान नहीं है, वो गौतम बुद्ध है। तो गौतम बुद्ध ने एक धर्म चलाया, उन्होंने क्या चलाया, कौन सा धर्म, शून्यवाद का, हर चीज जीरो है, कोई वैल्यू नहीं है शरीर की, तुम्हारी भी कोई वैल्यू नहीं है, केवल ऐसे करके बैठ जाओ, उन्होंने ये चलाया। अहिंसा परमो धर्मा किसने बोला, भगवान बुद्ध ने। शून्यवाद किसने बोला, गौतम बुद्ध ने। ये दोनों अलग है, दोनों अलग है, भागवत बताती है गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध अलग है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, गया बिहार में, और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल में, दोनों के माता पिता का भी नाम अलग है, तो दोनों डिफरेंट है। पर क्योंकि दोनों का टाइम फ्रेम केवल 300 साल के बीच का था, करीब करीब 300 से 400 साल का था, इसलिए लोगों ने एक जैसा ही मान लिया, एक ही है इस तरह से, मगर दोनों डिफरेंट है। अब कोई जैसे मैं बैठा हूं, अब मेरी तरह कोई बाल कटा ले, कुर्ता पहन ले सेम कलर का, वो बोले मैं भी यही हूं, हम दोनों एक जैसे ही है, तो एक जैसे कहां हुए, डिफरेंट है ना, अपीयरेंस सेम हो सकता है मगर विचार तो डिफरेंट है। ऐसे ही भगवान का एक अवतार हुए, बुद्ध अवतार और कूर्म अवतार। अब जब सबसे पहले कछुए आए थे, कछुओं के पीठ पे जो आप निशान देखते हो चेक ऐसे बने होते लाइन, ये भी नहीं होती थी, तो उस कछुए ने अपने पीठ पे मंदर पर्वत को रखा और वो कूर्म अवतार उस मंदर पर्वत को वापस क्षीर सागर पे ऊपर को लेके आता है। दोबारा से मंथन को चालू किया जाता है, जैसे ही वो चालू होता है यहां पे बताते हैं भगवान विष्णु ने, भगवान विष्णु इसके ऊपर मंदर पर्वत के ऊपर दोबारा बैठ जाते हैं, ऊपर से भी बैठ गए भगवान, नीचे से कूर्म अवतार फिक्स हो गए, अब ये पर्वत हिलेगा नहीं। इस तरफ से वासुकी नाग है, एक तरफ से मुंह वाली साइड असुरों ने पकड़ा हुआ है, पूंछ वाली साइड किसने पकड़ा है, देवताओं ने। अब ये कहते हैं अब करेंगे, अब जब ये कर रहे थे तो बताते हैं कछुए के ऊपर, क्योंकि भगवान ने कछुए का अवतार लिया, कितना विशाल कछुआ, यहां पे इसका साइज भी बताया गया है, यहां पे बताते हैं 8 लाख मील, 8 लाख मील इंटू किलोमीटर कर लो, अब किलोमीटर आप मील बताया है, इसको किलोमीटर में करो 8 लाख मील, करीब करीब कितना
12 लाख किलोमीटर, इतना लंबा कछुआ है, अर्थ का डायमीटर भी नहीं है, 12 लाख किलोमीटर, इतना बड़ा विशाल कछुआ यहाँ पे लिखा है, ये भगवान वेदव्यास ने लिखा है कि 12 लाख किलोमीटर का एक कछुआ इतना बड़ा, अनुमान नहीं लगाया जा सकता, केवल एक प्रिडिक्शन दिया है, मतलब एक इतना है उससे भी बड़ा, इतना विशाल कछुआ है, उसके ऊपर ये मंदर पर्वत को रखा हुआ है, और जब ये हिल रहा है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो उसके ऐसा हो रहा है भगवान कछुए के रूप में उनको लग रहा है, ऐसे ऐसे जैसे खुजली होती है ना, हम ऐसे ऐसे करते हैं पीठ में हम, तो वैसे ही उन कछुए को लग रहा है कि मेरी पीठ पे खुजली हो रही है, तो खुजली जैसा महसूस हो रहा है, तो वो जो मत, ये जो किया गया मथनी करी गई उसकी पीठ पे निशान पड़ गए, उससे पहले निशान नहीं होते थे, तो भगवान सबसे पहला कछुआ है इस संसार का, उससे पहले कछुए भी नहीं होते थे, कछुए की पीढ़ी भी बाद में शुरू हुई, सबसे पहले भगवान आए, उसके बाद कछुए की पीढ़ी स्टार्ट हुई, और उससे पहले कछुए जो थे, कछुओं के कैसे होते थे, कछुओं का जो प्रिडिक्शन बताया गया था उनके ये नहीं था, ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि ये नहीं बनेगा, मगर जब भगवान ने हुआ, भगवान ने लीला करी तो कछुओं के भी ये हो गया, क्या ये जो लाइन्स आप देखते हो। इस तरह से जब मंथन चालू हुआ, सबसे पहले इससे एक भयानक चीज प्रकट हुई, क्या, कालकूट यानी हलाहल नामक विष, तो ये विष इतना भयानक था कि पूरे ब्रह्मा लोक से लेचे लेके नीचे सेवंथ स्वर्ग लोक, फिफ्थ नंबर पे, सातवें नंबर पे पृथ्वी, इसके नीचे अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल, पूरे पाताल लोक तक, पूरे 14 लोकों में ब्रह्मांड में विष ही विष फैल गया, हर जगह इतना विष फैल गया था कि मर जाएंगे सारे व्यक्ति, कोई नहीं बचेगा, इतना विष फैल गया था। तो विष फैलने को बताया जाता है यहाँ पे इतना कि अब किसके पास जाएं, क्या भगवान के पास जाएं, क्या भगवान इस चीज को पूरा नहीं कर सकते थे, जो करवा रहे हैं समुद्र मंथन वो भी तो उस विष को ठीक कर सकते थे, मगर भगवान ने क्या कहा, जब ये विष हुआ तो उन्होंने देवताओं को एक सुझाव दिया, किसके पास जाओ, शिव जी के पास जाओ, भगवान शिव के पास जाओ, मेरे ही तो गुण अवतार है, जैसे बताते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं शीरम दधि विकार विशेष योगात, यानी कि शीर यानी दूध से जब दही बन जाता है, दूध से दही बन जाता है तो क्या दही क्या है, मिल्क प्रोडक्ट ही है, आप क्या कहोगे उसे, कर्ड प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, तो दूध और दही का क्या काम होता है, दूध से दही बन जाए तो क्या काम होगा, जो व्यक्ति दूध को नहीं पचा सकता वो दही को पचा ले, दही को पचा ले, जिसका पेट कॉन्स्टिपेशन इश्यूज है जो नहीं पचा सकता तो लोग क्या लेते हैं, दही लेते हैं। ऐसे ही जो लोग भगवान की भक्ति को नहीं पचा सकते उनके लिए भगवान ने एक रूप लिया है शिव जी का, ऐसे ही अनेकों अनेकों भगवान अपने रुद्र बना सकते हैं। वैसे बताया गया 11 रुद्र और 11 रुद्राणी होती हैं, रुद्र भी 11 हैं, आप जिनको पूछ रहे हो कौन से वाले हैं पता भी, तो हम तो एक ही बोल देते हैं महेश शिव सब एक ही हैं, मगर रुद्र भी 11 है और रुद्राणी भी 11 है, कौन सी रुद्राणी को पूछ रहे हो, तो देखो कितना सारा है। तो जैसे दही से दूध बन जाता है मगर वापस वो दही दूध बना सकती है, अब आजकल कई लोग कहते हैं ऐसी कंपनीज हैं तो दही से दूध भी बना लेती है, तो ऐसा दूध हमें उन्हें बोलना चाहिए आप भी पियो, क्योंकि ऐसा दूध पिया तो नहीं जाएगा, कितना खराब दूध होगा, सोचो दही का दूध बना दे कोई, ऐसी कंपनी का दूध कोई पी पाएगा, तो शिव जी जो है कृष्ण ही है, मगर कैसे है, जब उनमें तमोगुण का विकार आ जाता है, खुद तमोगुणी नहीं है, मगर इन लोगों का जो गंदे लोग हैं इन लोगों का उद्धार कौन करेगा, भगवान तो इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, भगवान कहते हैं जो नियम पालन नहीं करता मेरे किसी काम का नहीं है, किस काम का, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, जुआ खेलता है, मेरे किसी काम का नहीं है, मेरी भक्ति में नहीं आ सकता, उनको शिवजी का रूप, तो शिवजी का रूप लेके आते हैं, उनके गुण अवतार है, तो शिवजी भगवान के परम भक्त भी हैं, परम वैष्णव भी कहलाते हैं, भागवत में बताया जाता है निम्न गणाम यथा गंगा, बहने वाली नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवा नाम अच्युतो यथा, यानी सारे देवी देवताओं 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, अच्युत भगवान श्री कृष्ण है ना। आगे बताते हैं वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवों में परम शिवजी हैं, और पुराणम इदम तथा, सारे पुराण में सबसे सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद भागवत पुराण, इससे पुराण कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं, कोई शिव पुराण जो भी कर लो, सारी 40 वाली सा, अगर आप भागवत पढ़ रहे हो आपको कुछ भी पढ़ने की लाइफ में जरूरत नहीं है, आप सब चीज पार कर चुके हो, आप PhD लेवल पे आ गए, अब आपको फर्दर कोई भी ज्ञान कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको उठाओ और रोज इसको बैठ के पढ़ो, भगवान बहुत खुश होते हैं, ये पढ़ना साक्षात भगवान को पूजना ही है, चाहे आप सारी पूजा आरती स्नान सब छोड़ दो, मगर जो भागवत पढ़ रहा है उसकी लाइफ अपने आप में सक्सेसफुल है, कोई भी पढ़ सकता है, इसका एक ही नियम है,
कि आप बस इसे रेगुलर पढ़ो और कुछ नहीं। अगर रेगुलर नहीं पढ़ सकते एक दिन छोड़ के पढ़ो, पर पढ़ो कि हमारे लिए तो हैं इतने सारे ग्रंथ। बाद में क्या होगा, फिर वही अंग्रेज आएंगे, वो सिखा देंगे 2+2=4, एलजेब्रा, कैलकुलस, ये सब सिखा देंगे, ना वो हमारे किसी काम आ रहा, ना बाद में पता चलता है सब चीज तो मशीन के थ्रू ही करनी है, तो ये काम किस बात का, इतना सीखने की क्या जरूरत जब मशीन के थ्रू ही सारा कैलकुलेट करना है। तो पहले लोग कैलकुलेट करते थे अपने हाथों से, अब सब लोग फोन निकाल के करते हैं, जब करना ही फोन से तो इतनी मेहनत क्यों करनी। मगर भागवत का ज्ञान जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी काम आता है, मरने के साथ कोई काम आता है 2+2=4, बोलता है कोई राम नाम सत्य की जगह ऐसे करके, है ना, x+2y (3y-3z) ऐसे करके कोई बोलता है, सब क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, पर पूरी जिंदगी नहीं लेते। कितनी कितनी गहराई की बात है, मगर नहीं ले रहे। सोचो कई लोग बोलते हैं आप अपना जीवन खराब कर चुके हो, आप कहां भटक गए हो, हम कहते हैं भटके कहां है, भटके तो आप हो, आप अपना धर्म भूल गए। हम थोड़ा ना भूलें अपना धर्म, हम तो वापस सही समय में हमारे धर्म में आ गए, मगर हम लोग भटके नहीं है, हम लोग सही जगह पे हैं। ऐसे ही शिव जी को पास गए तो किसने बोला, भगवान विष्णु ने बोला कि तुम्हें कहां जाना चाहिए, भगवान शिव के पास जाओ। तो शिव जी जो है उनके पास गए, तो भगवान विष्णु चाहते तो खुद भी इस विष को खत्म कर सकते थे ऐसे, मगर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि भगवान चाहते हैं मेरे से ज्यादा मेरे भक्तों का गुणगान हो। शिव जी के पास गए, मेरे ही तो गुण अवतार है, इनका गुणगान हो, अगर हर जगह मेरा ही गुणगान आ जाएगा तो कल को तो लोग क्या उठाएंगे, बोलेंगे शिव का कोई गुणगान करेगा, नहीं करेंगे। तो भागवत में शिव जी का भी गुणगान है, भागवत पुराण शिव जी का बहुत गुणगान करती है, कहीं नहीं लिखा शिव जी का अनादर, बहुत गुणगान है, आप पढ़ो, चाहे राजा दक्ष की पढ़ो, दक्ष प्रजापति मंदिर है यहाँ पे हरिद्वार में, उसके ऊपर पूरे 6 अध्याय है भागवत में, यहाँ का पढ़ो आप, कहाँ का, ये हलाहल विश्व वाला जो अभी हम बता रहे समुद्र मंथन, इसके ऊपर 3 अध्याय है, बहुत है, शिव जी के ऊपर बहुत गुणगान दिया गया है पूरे भागवत पुराण में, कई जगहों पे संवाद है, अपनी पत्नी सती को समझा रहे हैं, यमराज जी को समझा रहे हैं। तो ऐसे बताया जाता है शिव जी के पास बोला कि शिव जी का ज्यादा गुणगान किया जाए। शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी कैलाश में होते हैं, शिव जी के पास गए कौन, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और सभी देवता, तो उन्होंने शिव जी की स्तुतियां करी, शिव जी की स्तुतियां करी, तो शिव जी कैसे हैं, अपना ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं, उनको मतलब नहीं है, शिव जी को अपना गुणगान सुनना नहीं पसंद, क्या सुनना पसंद है, तुलसीदास कहते हैं महामंत्र जाई जपत महेशु, ये बालकांड में लिखा है रामचरितमानस के, कि महामंत्र जाई जपत महेशु, महेश जी इस महामंत्र का जाप करते हैं, महेश जी इस महामंत्र का जाप करते हैं। अब देखो बालकांड तुलसीदास जी इस बात को लिख रहे हैं कि वो भी इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, महामंत्र एक ही है, क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो भी इस महामंत्र का जाप करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है जब कोई उनके आराध्य देव राम का नाम लेता है, वो खुश नहीं होते अपने गुणगान सुनने से, जो भी उनका गुणगान करता है तो वो कैसे होते हैं, शांत होके बैठ जाते, कहते मेरा गुणगान क्यों कर रहे हो, भगवान का करो, उनका करोगे तो मैं वैसे ही प्रश्न हो जाऊंगा। तो जब वो गुणगान करते हैं शिव जी का, शिव जी वहां पे प्रकट होते हैं, शिव जी का गुणगान करने पे शिव जैसे ही वहां पे आते हैं सब उनको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के बाद शिव जी इस कार्य को लेते हैं। देखो कितना मुश्किल कार्य है कि ब्रह्मांड में विष फैला हुआ है, इसको पीना है, उन्होंने अपनी हथेली पे लिया, पार्वती को बोला, पार्वती को समझाया कि मैं ऐसा कार्य करने जा रहा हूं, तो क्या वाइफ बोलेगी, विष पी हो, कहेगी क्या पागल आदमी है विष पीने जा रहा है, जहर पी रहा, बताओ मेरा पति कैसे लोग हैं जहर पिला रहे हैं, पूछने भी क्या है, एक तो ये होता है ना पार्टी में चल लो, कोई इन्विटेशन दे दो, क्या मांगने आया देवता, जहर पी लोगे मांग भी कह रहे हैं जहर पी लोगे, जरा हमारे में हमने हमारा पंगा हो गया सॉर्ट आउट कर दोगे, तो जहर पीने के लिए शिव जी को बुलाया और देखो चले भी गए। शिव जी के बारे में बताया जाता है, पता है शमशान घाट आप जहां भी जाओगे क्यों रहते हैं, क्योंकि वो ना अंत समय में देख नहीं पाते, लोगों को देख के उनको बड़ी दया आती है कि बेचारा ना मर गया, अंत समय तक भगवान का नाम नहीं ले पाया, अब जाके इसके कान में मैं नाम बोलूंगा इसके राम करके, तो जब राम बोलूंगा तो शायद इसके मन में राम का कुछ स्मरण आ जाए, दिमाग में आ जाए, राम की छवि आ जाए, तस्वीर आ जाए, पर आती नहीं है, क्योंकि पूरी जिंदगी क्या पढ़ा, x+2y-3z = 4x+3y, कुछ बचा ही नहीं, सारी चीजें उसको रोबोट बना रही हैं, और जो उसको भगवान या भक्ति बना में ला रहा था उसको वो छोड़ देता है। तो शिव जी वो कार्य संभालते हैं, शिव जी अपने कैसे बॉडी पे रहते हैं, राख लगा के रखते हैं, क्यों राख लगाते हैं, इसके पीछे रीजन है, अब कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरा हुआ है, बहुत गंदा आदमी है,
उसको भगवान एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कृष्ण है, विष्णु है, राम है, क्या आदमी है, गंदा बन के रहता है, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बेकार आदमी है, सतोगुण में रहेगा तो मेरा भक्ति करेगा, अदरवाइज मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं इसके लिए इक्वल हूं, इसकी इच्छा पूर्ति करूंगा मगर इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। शिव जी कैसे होते हैं, शिव जी उनसे ज्यादा कृपालु है, कितना भी कोई गंदा हो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कहते हैं अरे बेचारा ये, इसको तो मैं भक्ति दूंगा, इसको एक्सेप्ट कर लो। तो उसको अगर वो गड्ढे में गिराओ और एक व्यक्ति को आपने गड्ढे से निकाला तो वो कैसा हो जाएगा, निकालने वाला भी गंदा हो जाएगा। ऐसी इतने लोग गंदे लोगों को उठाने का भार अपने सर पे ले रखा है, शमशान घाट पे बैठे रहते हैं, चारों तरफ राख लगाए हुए है, उनको लोगों को बोलते रहते हैं राम का नाम जप करो, हरि का नाम जप करो, वो भी बोलते रहते हैं लोगों के कानों में जा जाके मृत्यु के समय तक कि शायद अब बच जाए, शायद अब बच जाए, इसका उद्धार हो जाए। शिव जी लगे रहते हैं पूरे दिन काम में। तो उन्होंने कहा कि विष पीऊंगा, उनकी वाइफ जो थी पार्वती ये बात जानती थी कि शिव जी को कोई नहीं मार सकता, शिव जी में बहुत सामर्थ्य है। तो शिव जी गए, उन्होंने हथेली में ऐसे लिया उस हलाहल विष को और ऐसे बैठ के पिया, और यही वो जगह थी जहां पे आप देख रहे हो ऋषिकेश, यहाँ पे बैठ के ऐसे करके पिया, और ऐसे करके पीते हुए उनके यहाँ कंठ में चला गया। तो कंठ में जब गया, अब जिसके जहर चले जाए बच सकता है, वो जरा सा भी जहर चले जाए, साइनाइड पी के कोई बच सकता है, तो वो तो सोचो हलाहल विष था जो ब्रह्मांड में फैला हुआ था। जैसे ही उसको पिया तो भगवान विष्णु है, उन्हीं के गुण अवतार है, उनके यहीं पे विष को रोक दिया, तो उनका कंठ कैसा हो गया, नीला रंग का, तो उन क्या नाम पड़ गया, नीलकंठ महादेव। तो नीलकंठ महादेव इसलिए पड़ा, और वहां पे बताते हैं शिव जी को जल क्यों चढ़ाया जाता है। अब जो इनके ऊपर ये हलाहल विष पिया तो बॉडी उनकी गर्म हो गई, अब गर्म हो जाने से क्या होता है, आप उसके ऊपर देवताओं ने पानी डालना शुरू किया कि चलो अभिषेक करो, शिव जी का अभिषेक करो, शुद्ध भक्त हैं, भगवान गुण अवतार हैं, इनको करो, ऐसे करके उन्होंने अभिषेक स्टार्ट किया। तो शिव जी के ऊपर अभिषेक किया जा रहा है कि इनका बॉडी का ताप कम हो जाए, इसलिए अभिषेक करते हैं, इसलिए नहीं कर रहे शिव जी को कि बस हमें नहलाना है, कि हमने अपना एक रिचुअल बना रखा है, मंडे जाके शिव जी पे बाल्टी चढ़ा दो, शिव जी आके दूध चढ़ा दो, शिव जी बेचारे बैठे हुए हैं। अब सोचो कोई बैठा हुआ है शिव जी जैसा भक्त बैठा हुआ है, ऐसे करके बैठा हुआ है ऐसे करके, और अपनी पत्नी पे भी ध्यान नहीं देता, टाइम ही नहीं है उनके पास, कहते कहां टाइम है मेरे पास, इतना लोगों का उद्धार करना है, पूरा संसार तड़प रहा है, और बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसके ऊपर ऊपर अड़ा के लोटा डाल दिया। उन्होंने क्या करा, वो कह रहे मैं तो इसलिए बैठा था तुम्हारे को, तुम्हारा लोटा लेने के लिए, रोज थोड़ा ना मेरा यहाँ पे बैठा हो, कभी कभी तो ठीक है, सावन का महीना है, कोई स्पेशल डे है, रोज कर ऐसे करके अपना नियम बना रहा था, सुबह लोटा चढ़ा दो, सुबह लोटा चढ़ाओ, बेचारे लोटे से नहा रहे, रोज लोटे से नहा रहे हैं, एक बार नहलाओ, चलो आपने ठीक है सुबह उठे आप नहाते हो, आपने उनको नहलाया, मगर ये क्या है, ट्रेंड बना दिया, ये भी नहला रहे हैं तुम भी नहलाओ। सोचो अगर एक व्यक्ति को 50 लोग नहलाएंगे तो गीला नहीं हो जाएगा, शिव जी बैठे रहते हैं उन पे लोटे पे लोटे लोटे पे लोटे डाल रहे हैं और वो कुछ बोल भी नहीं रहे, हम जैसे पे कोई लोटा डाल दे, लोटा उठा के ऐसे फेंक देंगे उसके ऊपर, एक भी लोटा कोई डाल दे, छीटा डाल दे उस पर कितनी बातें निकल जाएंगी मुंह से। हाँ, शिव जी बैठे रहते हैं कुछ नहीं बोलते, तो शिव जी के ताप को कम करने के लिए क्या करते हैं, ये जल चढ़ाते हैं और क्या, दूध चढ़ाते हैं, तो ताप कम करने के लिए किया। तो यहीं पे जब नीलकंठ महादेव है, यहाँ पे उनका ये है कंठ, उस कंठ को जब उनका नीला पड़ गया था तो शिव जी ने, क्योंकि भगवान ने रक्षा करी, भगवान स्वयं भी है, उनको सामर्थ्य था, यहाँ उनकी रक्षा हुई, इस नीले कंठ को लेके उनने 60,000 साल तक यहीं पे, जो आपने देखा है एक बरगद का वृक्ष था, इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने तपस्या करी, और ये उनकी तपोभूमि भी है, इसलिए पूरा उत्तराखंड आप देखते हो सारा तपोभूमि ही कहलाता है, तो ये उनकी तपोभूमि है, वहां बैठ के उन्होंने तप किया, और तप करने के बाद लोगों के जन कल्याण के लिए उन्होंने अपने इस कंठ को लिंग के रूप में स्थापित किया, ताकि आने वाले समय में लोग इस पर जल चढ़ाएं और मेरी कृपा प्राप्त करें, और इन्हें क्या मिले, हरि भजन मिले, तो वो चाहते हैं ये भक्त बने। तो भक्त बनना शिव जी की असली कृपा है, शिव जी से अगर आप मांगो अच्छी पत्नी दे दे, वो कहेंगे दे दूंगा, मगर मैं तो खुद ध्यान नहीं लगाता अपनी अच्छी बीवी पे, तू क्यों ध्यान लगा रहा है, शिव जी से मांगो मेरे को घर दे दे, शिव जी कहते हैं क्या घर लेगा, मैं तो खुद भटकता रहता हूँ, लोगों का उद्धार करता रहता हूँ, शिव जी से मांगो अच्छे कपड़े दे दे, वो कहते हैं खुद मैं तो मृग छाल पहन के बैठा हूं, तुझे क्या कपड़ा दूंगा। दे सकते हैं मगर ये चीजें उनको पसंद नहीं है, उनको असली कृपा क्या है, भगवान की भक्ति। रावण को सब कुछ दिया मगर रावण ने किस पे द्वेष किया, भगवान से, शिव जी आए बचाने, उन्होंने कहा मैं क्यों बचाऊं, जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं, तो जो राम का ही नहीं हो सका मेरे किस काम का हो जाएगा, हमारे आराध्य से ही लड़ पड़ा, बताओ
उनको त्याग दिया भगवान ने, तो उनको त्याग, इसलिए शिव जी को नकली लोग नहीं पसंद। ऐसे अभी यहां जाओगे, अभी रुद्रप्रयाग जाएंगे, शिव जी के भक्त थे जिनका नाम था भस्मासुर, भस्मासुर कहलाया, वहां पे गए केदारनाथ पे, क्या मांगा, तेरी सबकी सबसे पहले वरदान लिया कि मैं भस्म की शक्ति लूंगा और सबसे पहले तेरे को ही भस्म करूंगा और तेरी बीवी का भोग करूंगा, ये भस्मासुर चाहता था। और शिव जी उससे भागे, कहां पे, कोटेश्वर महादेव मंदिर में, वहां जाके छुप गए। फिर कौन आए अंत में, भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु का अपनी टेस्ट तो कर लो शक्ति, उनको टेस्ट करवाई, तब जाके भस्मासुर का वध हुआ। तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग में वो भी जगह है, तो सारी जगह श्रीमद भागवत से रिलेटेड है जितनी भी आप देख रहे हो उत्तराखंड में। तो ये थी हलाहल विष के ऊपर, तो यहाँ पे जितने भी उनकी हथेली से थोड़ा थोड़ा विष गिरा, तो जितने भी सांप और बिच्छू थे उन्होंने उसको विष को पी लिया, उससे पहले वो जहरीले भी नहीं होते थे, जैसे ही उसको पिया सांप बिच्छू जितने भी आप देख रहे हो सब चीजें जहरीली हो गई, और वो जहरीले आज भी जहरीले हैं, क्वीन कोबरा है ना हम बोलते हैं, और क्या, खटमल, बिच्छू, जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं ये सब जहरीले जानवर हैं इस तरह से। तो शिव जी ने हलाहल विष पिया, तो बताते हैं 14 रत्न प्रकट होते हैं समुद्र मंथन से, सबसे पहले क्या आया, विष, और 14वें नंबर पे कौन सा आया, अमृत। अमृत कब आया, लास्ट में। ऐसे ही जब आप भगवान की भक्ति करते हो, माला करते हो, कुछ भी करते हो, मंदिर जाते हो, तो आपका मन शुरुआत में आपको लगता है इसका कोई असर भी हो रहा है क्या, मेरे मन में तो इतने गंदे विचार आ रहे हैं, मेरे मन में तो मन कर रहा है लड़ाई कर दूं, मन कर रहा है अभी भक्ति छोड़ दूं, तो ये क्यों आ रहा है। इससे बताया जाता है भागवत या हमारे है ना आचार्य बताते हैं कि जब भी आप माला या भक्ति करते हो तो सबसे पहले जो अंदर कमियां है, अपनी कमियां दिखाई देंगी, अपने अपना कचरा साफ होगा, जब अपना कचरा साफ होगा तब जाके भगवान की भक्ति सही रूप से समझ आएगी और अमृत प्रकट होगा। अमृत के लिए समय लगा, अमृत के लिए समय लगा, एकदम नहीं आया अमृत, टाइम लगता है। वैसे ही अगर आप चाहते हो आपको अमृत मिले तो पहले आपके जितने भी अनर्थ बुरी चीजें हो पहले आपके सामने आएंगी, इसलिए भक्ति करने में कष्ट पहले ज्यादा आता है, क्योंकि जितनी भी बुरी चीजें हो पहले आती हैं, फिर उसके बाद अमृत मिलता है लास्ट में जाके। और फिर जो बताते हैं ये जो लास्ट में समुद्र मंथन में अमृत कलश लेके आए भगवान के कौन अवतार, धन्वंतरी भगवान। तो ये कलश लेके कौन, असुर और देवताओं में फिर से फाइट हो गई। तो जब फाइट हो रही थी तो गरुड़ जी ने इस कलश को लिया, कलश को लेके कहां गए, एक जगह पे बैठे यहीं पे ऋषिकेश में, इसका नाम है गरुड़ चट्टी, तो ये चट्टान को चट्टी कर दिया नाम, तुम्हारी इंडिया की आदत है तो ये चट्टी हो गया है ना, तो ये गरुड़ चट्टी नाम पड़ा। और गरुड़ जी इसी अमृत समुद्र ये अमृत कलश को लेके जब जा रहे थे असुरों से, क्योंकि असुर पीछे भाग रहे हैं, हमें दो हमें दो हमें दो, और देवता भी उनके पीछे भाग रहे हैं, तो गरुड़ जी जो है कुछ बूंदे गिरी, एक बूंद गिरी जिसके नाम पे आज है हरिद्वार, हरिद्वार तीर्थ, एक बूंद गिरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, तो ये है प्रयागराज तीर्थ, एक है उज्जैन, उज्जैन तीर्थ, और चौथा नासिक, नासिक तीर्थ, चार तीर्थ बने इस तरह से। तो ये थी समुद्र मंथन की कथा, शिव जी ने जो हलाहल विष पिया और गरुड़ जी के गरुड़ चट्टी के ऊपर। तो इस तरह से ये स्पेशल था आज का नीलकंठ महादेव का दर्शन, और आई होप सबको अच्छा भी लगा हो नीलकंठ महादेव का, और उनसे हमने प्रार्थना भी करी, उनको हमने सच में जो हम इधर उधर चढ़ाते हैं क्या जल चढ़ाते हैं, आज हमने एक्चुअली नीलकंठ जिनका कंठ नीला है, आज भी हमने, आज हमने जेन्युइन उस शिवलिंग पे चढ़ाया है जल जिनका एक्चुअली कंठ नीला था, तो ये वही नीलकंठ महादेव है, यहाँ पे हमने दर्शन किए, और इनसे हम क्या मांगे कि हमारे को भी भक्ति प्रदान करो, जैसे आप इतनी भक्ति में रहते हो, आपको दुनिया पूछती है हमें भक्ति प्रदान करो, हमें पूजन नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें मार्ग दिखाओ इस तरह से, तो हमें मांगना चाहिए। और इस तरह से अब हम नेक्स्ट कल के उसमें जाएंगे देवप्रयाग में और ऋषिकेश के मंदिरों में, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।